एवरीवन, आई समीश वाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन द कोर्स दैट इज थर्मल इंजीनियरिंग हैविंग कोड 22337 फॉर थर्ड सेमिस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। दिस कोर्स वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर सेकेंड चैप्टर that is ideal gas and ideal gas processes, and this is 8th lecture on second chapter, and today's topic is numerical on isothermal process. Before starting with today's topic, let us discuss what we have learned in the previous lecture. आज का वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। In the last video, we had learned PV and TS diagram of constant temperature process. PV और TS diagram पढ़े अपन ने काहे के लिए, constant temperature process के लिए, और formula to find work done, heat transfer, change in internal energy, change in enthalpy and change in entropy. Change in internal energy, change in enthalpy, change in entropy, work done और heat transfer के लिए अपन ने constant temperature process के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। क्लियर है? तो आज के वीडियो से अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू क्या सीखने वाले हो आप लोग, सॉल्व न्यूमरिकल ऑन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर के न्यूमरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो आज के वीडियो से अपन पढ़ने वाले हैं। और आइसोथर्मल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को ही आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोला जाता है। तो आज के वीडियो से अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर में। प्रोग्राम आउटकम यहाँ पे इस टेबल में बहुत सारे बॉक्सेस दिए हैं जहाँ पे लिया का हुआ है PO1 PO2। तो जिस वाले PO के आगे में टिक किया है मतलब वो वाले POs के अपने सेटिस्फाई होंगे आज का वीडियो पढ़ने के बाद में। क्लियर है? तो नाउ अपन सॉल्व करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। तो जैसा अपन ने जो प्रोसेस अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स अपन ने यूज़ किए थे वही स्टेप अपन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी वही सेम स्टेप यूज़ करेंगे। तो स्टेप कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्या होता है अपना चेंज फॉर्मूले चेंज होते हैं, स्टेप एज इट इज़ वही की वही रहती है। आप कोई भी प्रोसेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करो स्टेप्स तो सिमिलर ही रहती है, सेम ही रहती है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से जो चीज़ें पूछा है उसके आपको फॉर्मूले लगाना है। स्टेप तो सेम रहती है। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सबसे पहली स्टेप थी कि कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली स्टेप क्या थी अपनी, कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है वो आइडेंटिफाई करना है और वो अपन लिखते काय में गिवन डाटा में। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ क्या दिया है। अ फ्लूइड एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर एट 5 bar। एक फ्लूइड है बोलता वो एक्सपांड हो रहा है, इनिशियल कंडीशन है उसका कितना 5 bar, प्रेशर एंड वॉल्यूम 0.05 m³ टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 0.15 m³। यहाँ तक कि मेरे को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो भी गिवन है पर कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इट इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे पता चल गया मेरे को कि ये कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहली स्टेप अपनी वही है, कोई भी प्रोसेस का न्यूमेरिकल रहो अपने को सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, अपने को वही चीज़ सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि क्या है ये, कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का। कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे सबसे पहली स्टेप लिखूंगा। स्टेप वन क्या रहता है मेरा, गिवन डेटा, और गिवन डेटा में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का न्यूमेरिकल ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। और आप क्या करूँगी, आपकी जो कॉपी रहेंगी उसमें ये जैसा प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है वो प्रोसेस को अंडरलाइन करने का और गिवन डेटा में लिखने का कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आइडेंटिफाई होने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिर से न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो जो दिया है वो एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया है, अ फ्लूइड एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वन से। इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर कितना बोल रहा, 5 bar प्रेशर बोला, तो प्रेशर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। और कौन सा वाला प्रेशर बोला उसने, इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे
यहाँ पे अपने को क्या दिया है, प्रेशर दिया है कितना, पी वन इक्वल्स टू 5 bar प्रेशर, इनिशियल कंडीशन बोला और प्रेशर बोला, तो प्रेशर को अपन डिनोट करते हैं पी से, उसके बाद में इनिशियल कंडीशन है तो उसको डिनोट करते 1 से, प्रेशर कितना दिया है 5 bar। पर मैंने बताया था कि अपने को न्यूमेरिकल में बार वगैरह प्रेशर की यूनिट नहीं चलती, अपने को क्या होना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होना यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो बार है इसको अपने को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था, जो भी वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को कैसे, 10^5 से। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 एज इट रख रखा, इसको मल्टीप्लाई किया कैसे 10^5 से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 10^5 से, तो ये जो प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, जो बार 5 bar प्रेशर दिया था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया काय में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्या दिया, एंड वॉल्यूम ऑफ 0.05 m³ वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे इनिशियली वॉल्यूम गिवन था, तो यहाँ पे लिखा मैंने V1 वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूँ V से, इनिशियल था तो उसको मैंने लगा दिया यहाँ पे 1, और कितना दिया था मेरे को 0.05 m³, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.05 m³। तो वॉल्यूम की यूनिट मेरे को मीटर क्यूब में ही होना, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखा। तो उसके बाद में दिया है 2 अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 0.01 m³ एक्सपांड हो रही है कहाँ तक के 0.15 m³ फाइनल वॉल्यूम। फाइनल को कैसे डिनोट करते हैं अपन, 2 point से, यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया था अपने को, तो यहाँ पे V लिखा मैंने, वॉल्यूम को V से डिनोट करता हूँ, फाइनल है इसलिए यहाँ पे 2 से डिनोट किया, और कितनी वैल्यू है उसकी 0.15 m³, कितनी वैल्यू है इसकी 0.15 m³। ये यहाँ तक के पहुँच गया अपन। उसके बाद में अपने को क्या दिया है, इट इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में गियन था तो ये यहाँ पे लिख दिया, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए मेरे को पता है T2 = कितना रहता है T1, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हरदम T2 = T1 रहता है, मेरे को पता था। फिर उसके बाद में बोलता है देन कैलकुलेट, कैलकुलेट करने बोल रहा, मतलब क्या अपनी अभी कौन सी स्टेप आ गई, स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 2 क्या, टू फाइंड, कैलकुलेट करना बोला या डिटरमाइन करने बोला, मतलब क्या बोल रहा है वो निकालने बोल रहा, तो यहाँ से अपनी स्टेप नंबर 2 चालू हो जाती क्या, टू फाइंड, क्या निकालने बोल रहा सबसे पहले वो फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वाले पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं अपन, 2 number से, और प्रेशर निकालने बोल रहा, तो मतलब अपने को क्या निकालना बोल रहा, फाइनल प्रेशर, मतलब प्रेशर को मैं डिनोट करता हूँ कैसे, 2 से डिनोट करता हूँ, प्रेशर को मैं डिनोट करता हूँ पी से, और फाइनल निकालने बोल रहा है इसलिए यहाँ पे P2, मतलब मेरे को सबसे पहले निकालने बोला उसने, फाइनल प्रेशर बोले तो P2 निकालने बोला। उसके बाद में क्या निकालने बोल रहा है, वर्क डन, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, टू फाइंड में क्या निकालने बोल रहा हूँ मेरे को, वर्क डन, और वर्क डन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ W से, वर्क डन को कैसे डिनोट करता हूँ मैं W से। उसके बाद में निकालने बोल रहा है मेरे को क्या, हीट ट्रांसफर, उसके बाद मेरे को क्या निकालने बोल रहा है, हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू फाइंड में क्या, हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ क्यू से, हीट ट्रांसफर को कैसे डिनोट करता हूँ मैं क्यू से। उसके बाद में मेरे को निकालने बोल रहा है क्या वो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद में मेरे को निकालने बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे IE लिखा, IE का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, आई फॉर इंटरनल और ई फॉर एनर्जी, तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट निकालने बोल रहा है क्या वो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं डिनोट करता हूँ कैसे, DU से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं कैसे डिनोट करता हूँ DU से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU, क्लियर है। यही चीज़ें मेरे को निकालने बोल रहा है, ये चीज़ें मेरे को गिवन है, ये चीज़ें वो मेरे को क्या बोला, निकालने के लिए बोला है, क्लियर है। तो इसके बाद में अपनी थर्ड स्टेप क्या रहती है, मैंने बताया था अपन ने 2 types के न्यूमेरिकल किए थे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि जो फाइंड करना है उसका अपन क्या करते हैं, फॉर्मूलेज लिखते हैं। तो ये जो फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर, हीट वर्क डन, उसके बाद में हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका क्या करेंगे अपन, इसके फॉर्मूलेज लिखेंगे। तो स्टेप 3 क्या रहेंगे अपना, फॉर्मूला, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर निकालना है, तो मैंने बताया कि प्रेशर जब भी अपने को निकालना रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर बोलो, इनिशियल टेम्प, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, या फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, ये जब भी निकालना रहेगा, ये अपन कौन से रिलेशन से निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, PVT रिलेशन से। और यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए PVT रिलेशन लिखा, क्या है, V2 / V1 = P1/P2। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरा फॉर्मूला, वर्क डन का, वर्क डन को मैं डिनोट करता हूँ कैसे, W से, वर्क डन को कैसे डिनोट करता हूँ W से, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, P1V1 log of V2 / V1, ये एक फॉर्मूला है। और एक मेरा वर्क डन का फॉर्मूला था क्या, P1V1 log of V2 / P1, ये अपन देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना क्या निकालने बोल रहा है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को मैं डिनोट करता हूँ क्यू से, और क्यू का फॉर्मूला क्या देखे थे अपन ने, 4 formulae क्यू के भी, उसमें मैंने यहाँ पे चारों नहीं लिखा, यहाँ पे आप चारों लिखो या फिर आप एक भी लिखे तो चलेगा, P1V1 log of V
वी टू अपॉन वी वन। उसके बाद में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं एम सी वी टी टू अपॉन टी वन। तो ये जो फॉर्मूले लिखा, अभी इसमें से मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को क्या गिवन है और ये चीज़ें मेरे को निकालना है। तो जो चीज़ें फॉर्मूले में लग रही है उसमें से क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले देखता हूं, मैं पी टू निकालना है तो उसके लिए मेरे को वी टू लगेगा, तो वी टू गिवन है क्या, गिवन है। वी वन लगेगा, वी वन भी गिवन है। पी वन लगेगा, पी वन भी गिवन है। मतलब ये वाले फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकाल लूँगा। फिर वर्क डन निकालने के लिए मेरे को क्या लग रहा है, पी वन, पी वन गिवन है। वी वन लग रहा है, वी वन गिवन है। लॉग ऑफ ई वी टू लग रहा है, वी टू की भी वैल्यू गिवन है और वी वन की भी वैल्यू मेरे को क्या है, गिवन है। उसके बाद में हीट ट्रांसफर निकालने के लिए पी वन लग रहा है, पी वन गिवन है, वी वन लग रहा है गिवन है। लॉग ऑफ ई वी टू की वैल्यू लग रही है वो भी गिवन है और वी वन की वैल्यू भी गिवन है। मतलब ये वाले फॉर्मूले से मैं हीट ट्रांसफर भी निकाल सकता, ये फॉर्मूले से मैं वर्क डन भी निकाल सकता। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लगता है मेरे को, मास लगता है, मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है। सी वी लगता है, सी वी गिवन है क्या, नहीं गिवन है। टेम्परेचर टी टू लगता है, गिवन है क्या, नहीं गिवन है। टी वन नहीं गिवन है, पर मेरे को पता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में टी टू इक्वल्स टू टी वन होता है। तो ये अगर इक्वल हो गया तो ये जीरो हो गया, तो ये भी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए मेरे को मास की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में मेरे को सी वी की भी ज़रूरत नहीं है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो मेरी डायरेक्टली निकलेंगी। तो मतलब जो चीज़ें मेरे को गिवन है, गिवन में उससे मैं डायरेक्टली जो फाइंड करने बोला है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो क्लियर है, तो चलो देखते हैं अपन कि एक एक चीज़ें निकालते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने जो अपन ने गिवन दिया था वो गिवन लिख लिया, और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना था वो लिख लिया। तो जैसा मैंने इसके पहले में जब न्यूमरिकल पढ़ा था कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का, उसमें मैंने बताया था कि जो अपने को निकालने बोला अपन डायरेक्टली वो निकालते क्या, नहीं। अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है कि सबसे पहले जो चीज़ पूछा है उसका पी वी और टी एस डायग्राम बनाओ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, पी वी और टी एस डायग्राम। तो यहाँ पे लिखते होता हूँ मैं स्टेप फोर क्या है, ड्रॉ पी वी एंड टी एस डायग्राम। क्या करना है मेरे को, पी वी और टी एस डायग्राम बनाना है किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने कैसे बनाते पी वी और टी एस डायग्राम वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे मैंने पी वी डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने टी एस डायग्राम। तो अभी यहाँ पर अपना वाला ये रहेगा कि वन ऊपर में रहेगा कि नीचे में आएगा, और टू ऊपर में रहेगा कि नीचे में रहेगा, वो देखने के लिए अपने को कहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे अपने को दो वॉल्यूम दिए, तो वॉल्यूम वन देखो 0.015, उसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम कब रहता है, जब प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो मतलब ये 1 पॉइंट ऊपर में ही छूना। और वी टू का क्या है, 0.15, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर रहेगा, तो टू वाला पॉइंट क्या रहेगा, इस वाले पॉइंट पे। तो वन वाला पॉइंट अपना ऊपर में रहेगा और टू वाला अपना नीचे रहेगा। उसी तरीके से एंट्रोपी का, जब प्रेशर ज़्यादा होता है, जब वॉल्यूम कम होता है, तब एंट्रोपी भी क्या होती है, कम होती है। तो 1 पॉइंट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 2 पॉइंट रहेगा। क्लियर है, ये अपन ने बना दिए पी वी और टी एस डायग्राम। तो अभी अपन एक एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना निकालना है क्या, फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइनल प्रेशर निकालना है मेरे को पी टू। फाइनल प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पी वी टी रिलेशन। और पी वी टी रिलेशन क्या होता है, वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स टू पी वन बाई पी टू। तो यहाँ पे मैं वी टू अपॉन वी वन की एक एक वैल्यू पुटअप करता हूँ। वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू कितनी है मेरी वाली, वी टू की वैल्यू कितनी थी, 0.15। तो वी टू की जगह पे यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया 0.15। वी वन की वैल्यू कितनी थी, 0.05। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया। पी वन की वैल्यू कितनी थी मेरी, 5×10^5। तो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया 5×10^5। थी और यहाँ पे पी टू मेरे को फाइंड आउट करना है। अभी मेरे को पी टू फाइंड आउट करना है, तो पी टू मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू के एक साइड लिखूंगा और बाकी चीज़ें जो भी कॉन्स्टेंट है वो इक्वल्स टू के एक साइड। तो ये पी टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर साइड में लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया पी टू। तो ये तो एज इट इज रहेगा ऊपर में, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5×10^5। अभी ये टर्म मेरे को इधर साइड में लेके जाना है इक्वल्स टू के। तो 0.15 इधर क्या में है, न्यूमरेटर में, तो इधर में इक्वल्स टू के इधर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.015, ये पॉइंट इधर में क्या में है, डिनोमिनेटर में। तो ये इक्वल्स टू के इधर में जाएगा, तो ये क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.05। तो इसको मैं कैल्सियम में पुटअप करूँगा, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी क्या की, पी टू की। तो पी टू की वैल्यू मेरे को मिल रही है कितनी, 166.66×10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आएंगी, ये वाले वैल्यू को आपको काय में लिखना है, बॉक्स में। तो प्रेशर की, फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी आई मेरी, 166.66×10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी आई फाइनल प्रेशर की वैल्यू, 166.66×10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है। आप जब कैल्सियम में डालोगे तो डायरेक्टली ये 10^3 में नहीं आएंगे, आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएंगी। तो आप कैल्सियम में देखोगे कि एक ENG की बटन रहेगी, तो आपको वो ENG की बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। वो ENG की बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। तो जब आप ENG की बटन को प्रेस करोगे तो आपका
वैल्यू फाइंड आउट होंगी, इस फॉर्म में मिलेंगी। तो अपना फाइनल प्रेशर कितना था निकालना था, वो निकल गया अपना कितना 166.66 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यूनिट लिखना कभी भी भूलना नहीं, अगर यूनिट नहीं लिखे आपके तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अपने को जो निकालने बोल रहा था उसमें से अपन ने फाइनल प्रेशर निकाल लिए, समझ में आ गया किस तरीके से निकाले। तो यहाँ पे अपन ने फाइनल प्रेशर निकाल लिया। तो नेक्स्ट निकालना अपने को क्या, वर्क डन। तो देखते हैं वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे अपने को वर्क डन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वर्क डन को अपन डिनोट करते कैसे, डब्ल्यू से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखे थे अपन ने, पी वन वी वन लॉग ऑफ ई वी टू अपॉन वी वन यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो पी वन की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁵, ये पुट अप करूंगा। वी वन की वैल्यू कितनी है 0.05 × 10⁻⁵, ये यहाँ पे पुट अप करूंगा। लॉग ऑफ ई तो कैल्सियम ही आता है डायरेक्टली। वी टू की वैल्यू कितनी है 0.15 यहाँ पे पुट अप करूंगा। और V1 की वैल्यू कितनी है 0.05, तो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू पुट अप करती हूँ। तो P1 की वैल्यू पुट अप किया मैंने 5 × 10⁻⁵, V1 की वैल्यू पुट अप किया मैंने 0.05, लॉग ऑफ ई की वैल्यू पुट अप किया मैंने लॉग ऑफ ई, V2 की वैल्यू पुट अप किया मैंने 0.015 और V1 की वैल्यू पुट अप किया मैंने 0.5। इसको मैं कैल्सियम में डालूंगा तो मेरे को वर्क डन की वैल्यू मिलेंगी। तो वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है मेरे को कितना 27.46 जूल। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको अपने को कायम लिखना है बॉक्स के अंदर में, हरदम याद रखना। जो भी अपने को फाइंड आउट करना बोला उसका आंसर हरदम कायम लिखेंगे अपन बॉक्स के अंदर में। तो ये सेम 27.46 × 10⁻³ आंसर आएगा कि आपके कैलसी में नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा ENG की बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ से फाइनल प्रेशर निकालने बोला था वो निकाल लिया, वर्कडन निकालने बोला था वो निकाल लिए। अभी अपने को नेक्स्ट क्या निकालने बोल रहा है, हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या निकालने बोल रहा है, हीट ट्रांसफर। यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट में क्या निकालना मेरे को, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, क्यू से। तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था मेरा, P1V1 log of E V2 upon V1। यहाँ से मेरे पास में P1 की भी वैल्यू है, V1 की भी वैल्यू है, log of V2 की भी वैल्यू है और V1 की भी है। यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू पुट अप करता हूँ। तो P1 की वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे 5 × 10⁻⁵, उसके बाद में V1 की वैल्यू लिखा मैंने 0.05, V2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.015 और V1 की वैल्यू लिखा 0.05। इसको मैं कैल्सियम में सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएंगी क्या की Q की, और Q की वैल्यू कितनी आ रही मेरी 27.46 × 10⁻³ जूल। तो ये इसको भी मैं कायम में पुट अप कर दूंगा एक बॉक्स के अंदर में, इसको बॉक्स के अंदर में। ये डायरेक्टली आएंगी क्या कैल्सियम में आपके 27.46 × 10⁻³, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा ENG की साइन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू आएंगी कितनी 27.46 × 10⁻³ जूल। क्लियर है। तो आपने हीट ट्रांसफर भी निकाल लिए। नेक्स्ट अपने को निकालना है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, DU से मैं उसको डिनोट करता हूँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता है m × CV × T2 − T1। पर मेरे को पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होती है, जीरो। यहाँ पे लिख दिया मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए जीरो। पर आप डायरेक्टली अगर जीरो लिख दिए और कुछ लिखे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्यू जीरो होता है क्योंकि सिंस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। क्यू जीरो ही है सिंस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, T2 = T1 है, इस कारण से अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो रहती है। क्लियर है, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर जीरो लिख दोगे तो आपको जीरो मार्क्स भी जीरो ही मिलेंगे। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसने पूछा तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में वहाँ पे लिखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी = 0 और क्यू जीरो होता है, उसके आगे में स्टेटमेंट लिखना है सिंस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी रहेंगी बोल रहा है अपना, जीरो रहेगा। क्लियर है, तो समझ में आगे आपको न्यूमरिकल। तो इसी तरीके से आपको असाइनमेंट के जो न्यूमरिकल रहेंगे वो इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न इन द टुडेज लेक्चर। इन द टुडेज लेक्चर वी हैड लर्न द न्यूमरिकल ऑन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़े, न्यूमरिकल पढ़े कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर में, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने सबसे पहले तो न्यूमरिकल देखे काय के ऊपर में, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के ऊपर में। यूनिट आउटकम अचीव्ड, यूनिट आउटकम अचीव्ड बोले तो आज का वीडियो देखने से जो अपने सिलेबस में जो यूनिट सेकेंड यूनिट है उसमें का कौन सा टॉपिक आज के वीडियो देखने से आपका कंप्लीट होगा, तो वो कंप्लीट होगा 2.1 जो कि दिया हुआ है कैलकुलेट डिफरेंट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आइडियल गैस प्रोसेसेस फॉर गिवन सिचुएशन। तो आपका 2.E ये वाला टॉपिक आज का यूनिट आउटकम क्या होगा, अचीव्ड होगा आज के वीडियो से। क्लियर है।
उसके बाद में प्रोग्राम आउटकम्स ये टेबल में दिया हुआ है। PO1 अपना बेसिक नॉलेज होता है, तो बेसिक नॉलेज आपको लगेगा। ये वाला वीडियो से आपका बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है, जैसा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। उसके बाद में PVO और TS डायग्राम बनाने के लिए आपको ड्राइंग का यूज़ होगा, तो आपका बेसिक नॉलेज होगा। उसके बाद में PO2 होता है अपना डिसिप्लिन नॉलेज, तो डिसिप्लिन नॉलेज आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो आपका डिसिप्लिन नॉलेज इसमें कवर होगा। PO3 इंजीनियरिंग एंड प्रैक्टिसेस होता है, तो आप कौन न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो वाला आपका अचीव होगा। उसके बाद में PO4 होता है अपना इंजीनियरिंग टूल्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग के टूल्स यूज़ करेंगे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वो वाला भी PO आपका अचीव होगा। उसके बाद में PO8 होता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो आपको इंडिविजुअली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो PO अचीव होगा। उसके बाद में PO9 है आपका कम्युनिकेशन, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। PO10 है अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो जो आपने आज पढ़े हो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कहीं पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, तो ये भी आपका एक PO आज के इससे क्या होगा सेटिस्फाई होगा। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इन MSBT, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए न्यूमेरिकल्स दिए हुए जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में MSBT में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो न्यूमेरिकल है यही एज इट इज़ पूछे जाएंगे, आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में पूछे जाएंगे। वैल्यू चेंज रहेंगी पर न्यूमेरिकल वो जिस तरीके से अपन ने आज न्यूमेरिकल सॉल्व की है कांस्टेंट टेम्परेचर का, उसी तरीके से आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर का वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द प्रेशर ऑफ 0.15 मीटर क्यूब ऑफ एयर इंक्रीजेस फ्रॉम 500 kPa टू 1.5 MPa, तो आपको एक प्रेशर दिया हुआ है इंक्रीज हो रहा है बोल रहा प्रेशर, तो ये आपको P1 वाला प्रेशर दिया हुआ है, ये आपको P2 प्रेशर दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको वॉल्यूम दिया है वाइल अंडर गोइंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आपको ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन दिया है, मतलब ये कौन सा वाला प्रोसेस का न्यूमेरिकल दिया आपको कांस्टेंट टेम्परेचर का। तो डायरेक्टली मैंने जैसा बताया था कि आपको डायरेक्टली कभी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस लिख के देगा कभी नहीं देगा, तो कभी आपको ये ऐसे जो वर्ड्स है ये याद रखना पड़ेगा। जैसा अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या था एंक्लोज्ड इन कंटेनर, मतलब वो कौन सी प्रोसेस होती थी अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सी क्या रहेगा ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद में बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्यू की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 kg ऑफ एयर इनिशियली एट 1 bar एंड 150 डिग्री सेल्सियस इज कॉम्प्रेस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली आया मतलब ये भी कौन सा वाला प्रोसेस का न्यूमेरिकल आपने कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का है टिल दी वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 0.128 मीटर क्यूब, रिड्यूस बोल रहा मतलब ये कौन सा वॉल्यूम दे रहा है अपने को V2 की वैल्यू दे रहा है। तो डिटरमाइन क्या बोल रहा है अपने को वर्कडन निकालने बोल रहा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने बोल रहा है, अपने को कैपिटल R की वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 kg ऑफ एयर एट 1 bar 150 डिग्री सेल्सियस कॉम्प्रेस आइसोथर्मली टिल दी वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 0.8। क्लियर है? तो ये आपको तीन न्यूमेरिकल एज अ असाइनमेंट जैसे अपन ने पहला न्यूमेरिकल ये वाले वीडियो में सॉल्व किया है, उसी तरीके से आपको ये वाले न्यूमेरिकल भी क्या करना है आपको सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट के तौर पे। क्लियर है? तो इन दी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, उसकी PV और TS डायग्राम क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। और एडियाबेटिक प्रोसेस को ही कौन सी प्रोसेस बोली जाती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।